उत्तराखंड के देहरादून में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर बैठक की गई। बैठक में नमामि गंगे के सेंट्रल डायरेक्टर जनरल यूपी सिंह और नमामि गंगे कार्यक्रम के निदेशक राहग लांगवर की बैठक हुई। बैठक में गंगा की सफाई को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सेंट्रल डायरेक्टर ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता सीवरेज को गंगा में बहने से रोकना है। साथ ही कहा कि सीवरेज को रोकने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उन प्रोजेक्ट को हमने राज्य सरकार के हवाले कर दिया है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो प्रोजेक्ट रुके हैं उनकी टेंडरिंग जल्द की जाए और गंगा सफाई में देरी ना हो। अब देखना होगा कि गंगा सफाई के लिए बनाई गई इस योजना से क्या वाकई गंगा साफ हो पाएगी। गंगा की साफ सफाई का काम जो है वो ऐसा नहीं है कि वन टाइम काम नहीं है। जैसे हम घर की सफाई रोज दिन करते हैं तो गंगा भी एक ऐसी नदी है, बाहर की नदियों की तरह की नदी नहीं है। यहाँ तो लोग 20 लाख लोग रोज दिन गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो गंगा की साफ सफाई का काम, गंगा के रिजर्वेशन का काम तो चलता रहेगा। लेकिन हमारी ये कोशिश ये है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, विशेषकर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो नाले हमारे गंगा में अभी भी गिर रहे हैं या गंगा या उनकी सहायक नदियों में गिर रहे हैं, तो उनके सारे प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन कर दिए हैं।